बड़े नेताओं का घर अपराध का अड्डा बन गया है। गुंडों की सरकार है, हथियारों की सरकार है। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा में आज हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के दुबग्गा स्थित घर पर विनय श्रीवास्तव नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली विनय के माथे पर मारी गई। युवक का खून से लथपथ शव कमरे में बेड के पास मिला है। उसके सिर पर गोली मारी गई है। वारदात को मंत्री के बेटे विकास उर्फ आशु की लाइसेंसी पिस्टल से अंजाम दिया गया। शव के पास से ही पुलिस ने कौशल किशोर के बेटे की पिस्टल बरामद की है। साथ ही चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वही अब इस हत्याकांड के बाद से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है और विपक्षी नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने हत्याकांड को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यूपी सरकार की जमकर आलोचना की और हवाला दिया कि यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार पर गुंडों और अराजकता को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कहीं नहीं सुरक्षित है। जिस प्रदेश की राजधानी में केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्याएं हो रही हैं और हत्या मंत्री के बेटे की रिवॉल्वर से, आप सोचिए कि उस प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने थार चढ़ाकर के किसानों की हत्या कर दी। अब एक दूसरे केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या होती है और लखनऊ पुलिस कह रही है कि वो हत्या मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हुई है। तो आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल मंत्री या बड़े नेताओं का घर अपराध का अड्डा बन गया है और उनके इर्द गिर्द रहने वाले सब अपराधी बन गए हैं और उनको लाइसेंस दिया है योगी सरकार ने। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या है। गुंडों की सरकार है, हथियारों की सरकार है। दूसरी तरफ मंत्री कौशल किशोर का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। मंत्री का दावा है कि उनका बेटा उस वक्त घर पर नहीं था, वो कल दिल्ली चला गया था। साथ ही उन्होंने तमाम सवालों के बीच जांच में पूरा सहयोग करने का भी भरोसा दिया। जांच का विषय है क्या घटना हुई और कैसे इसके अंदर हुई है। मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फोन करके मैंने कैसे सी बात पता चली। उन्होंने कहा किसी इस बात पर भेजते हैं कि जाँच होगी जो भी इसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ जिन्हें हमारा बहुत रहा ज्यादा उसके साथ पुलिस पूरी जांच करने के बाद ही खुलासा करेगी। कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आशु ही हमें नहीं दिखा दिया। आशु कल दिल्ली चला गया। बहरहाल यूपी के लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की आवाज पर एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण मौके पर पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे हैं। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई है और सबूत इकट्ठे किए गए हैं। लेकिन मंत्री के घर पर हुई इस घटना ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नए खुलासे होते हैं, हत्या किसने की और हत्या के पीछे की वजह क्या रही। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।